बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किए थे प्रोसेसेस ऑफ नेचर, जिसमें हमने एक्लिप्स को देखा था, सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स, और उसके बाद डे एंड नाइट वेरिएशन। आज का हमारा आर्टिकल है एनर्जी। एनर्जी की टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो कि आप लोगों ने बहुत कॉमन सुनी भी होगी और कॉमनली यूज़ भी करते हैं, और हमें पता है कि हर काम को करने के लिए या किसी भी वर्क डन के लिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम एनर्जी में, इस आर्टिकल में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सोर्सेज एंड रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आर्टिकल्स कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो एटिमोलॉजी में एनर्जी इज़ फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनर्जिया विच मीन्स एक्टिविटी और ऑपरेशन, फ्रॉम एनर्गोस विच मीन्स एक्टिव और अफेक्टिव। अब ग्रीक वर्ड है एनर्जिया, जिसका मतलब है कोई भी एक्टिविटी या किसी भी काम का करना। उसके अलावा एनर्गोस, जिसका मतलब है एक्टिव, फ्रॉम एन आई एन मतलब कि इन, प्लस एर्गोन वर्क मतलब कि कोई भी बॉडी जब वर्क की स्टेट में हो तो उसके लिए जो भी उसको फोर्स चाहिए या जो एबिलिटी होती है किसी भी बॉडी की काम करने के लिए, उसको हम कहते हैं कि यह है एनर्जी। स्पेशलाइज सेंसेज ऑफ द वर्ड एनर्जी इंक्लूड पावर डेट कम्स फ्रॉम सोर्स सच एज हीट और इलेक्ट्रिसिटी एंड द एबिलिटी ऑफ सोर्सेज सच एज हीट और लाइट टू डू वर्क। अब इसके अलावा, एनर्जी के अलावा जो एक इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है पावर। अब ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी काम के करने के लिए, जिसका होना पावर और एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम हिस्ट्री देखें तो इन 1807 थॉमस यंग वॉज पॉसिबली द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म एनर्जी इन इट्स मॉडर्न सेंस। अब सबसे पहले एनर्जी को ये जो मॉडर्न इरा में या जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं एनर्जी, उसको डिफाइन करने वाले थे थॉमस यंग 1807। ये साथ आपको उनकी पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये थॉमस यंग की पिक्चर है। गुस्ताव गस्पर्ड कोरियोलिस डिस्क्राइब काइनेटिक एनर्जी। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब कोई बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन हो या मोशन के ड्यूरिंग जो भी एनर्जी डेवलप होगी उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और 1853 में विलियम रैंकी ने जो है टर्म पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था, और पोटेंशियल एनर्जी होती है कि कोई भी बॉडी जब रेस्ट पे होती है तो उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं कि ये किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन देखें एनर्जी की, तो द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, वही चीज़ के किसी भी काम करने के लिए जो भी एबिलिटी होती है, सलाहियत, किसी भी काम को करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी। आपको पता है हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं वर्ड के जी हमें इस काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, हम कहते हैं जी हमारी एनर्जी जो है वो कम है, हम ये काम नहीं कर सकते, अभी हमारी एनर्जी डाउन हुई हुई है। तो वो काम को करने के लिए जो सलाहियत होती है उसको कहते हैं एनर्जी। एनर्जी आपको पता है कि तकरीबन रिलेट करती है, एनर्जी और वर्क रिलेट कर रहा होता है, इनके यूनिट्स भी सेम होते हैं। एनर्जी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल आइडियाज़ इन फिजिक्स। एनर्जी इज़ नीडेड टू डू ऑल टाइप ऑफ वर्क, यू इवन नीड एनर्जी टू थ्रो अ बॉल इनटू द एयर एंड कैच इट। अब हर काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, इवन कि अगर आप सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लें बॉल की, तो आप अगर बॉल को फेंक रहे हैं और उसको कैच कर रहे हैं तो दोनों काम को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। वर्क एंड एनर्जी आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट। वर्क और एनर्जी दोनों को एक ही यूनिट में हम मेजर करते हैं, जो कि होता है जाउल। वन जाउल इज इक्वल टू वन न्यूटन मीटर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग वी कॉल दिस इनर्शिया। अब कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है या रेस्ट में आ जाए, अपनी रेस्ट स्टेट में, या फिर मोशन में है, तो वो मूव ही करती जा रही है, तो इस टाइप की जो टेंडेंसी है उसको हम कहते हैं कि ये बॉडी का इनर्शिया है। पीपल ऑफन कन्फ्यूज एनर्जी पावर एंड फोर्स। अब आपको पहले बताया कि एनर्जी और पावर तकरीबन रिलेट करती है। अब क्या होता है, अमूमन हम फोर्स, पावर और एनर्जी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इन तीनों टर्मिनोलॉजी में। अब आपको एनर्जी का पता चल गया कि किसी भी बॉडी को काम करने की, जो किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत जो होती है उसको कहते हैं कि ये एनर्जी है। अगर फोर्स को देखें तो फोर्स इज़ अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी चीज़ को धकेलने के लिए या खींचने के लिए अपनी तरफ जो फोर्स है, जो भी एक एबिलिटी होती है बॉडी की, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फोर्स है। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट और स्टॉप समथिंग मूविंग, यू नीड टू पुश और पुल। अब कोई चीज़ मूव करिए, फॉर एग्जाम्पल एक कार्ट ले लें, अगर कार्ट मूव कर रहा है उसको पुश करने के लिए, या आप उसको धकेलें या अपनी तरफ खींचें, दोनों चीज़ों के लिए आपको एक फोर्स चाहिए होती है। दीज पुशेज आर एंड पुल्स आर कॉल्ड फोर्सेज, और इस पुश और पुल को हम कहते हैं कि ये फोर्स है। फोर्स आर नीडेड टू ओवरकम इनर्शिया, फोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड बाय एनर्जी चेंज। अब फोर्स क्या होती है, अब एक बॉडी रेस्ट में है या वो मूव कर रही है, अब अगर तो वो बॉडी रेस्ट पे है, अगर हम उसको पुश करें तो क्या होगा, वो हमने फोर्स की वजह से इनर्शिया चेंज कर दिया, या अगर कोई बॉडी मूव कर रही है हम उसको स्टॉप कर दें, तो फोर्स लगाई और उसको स्टॉप कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, इनर्शिया की स्टेट चेंज हो गई। फोर्स आर प्रोड्यूस बाई एनर्जी चेंज। अब फोर्सेज प्रोड्यूस कब होती हैं, जब हमारे पास एनर्जी चेंज होती है।
द अमाउंट ऑफ वर्क इज डिटर्मिंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स यूज्ड एंड द डिस्टेंस. अब आपको पता है कि वर्क क्या होता है. वर्क होता है हमारे पास एफ डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट. तो जब भी कोई बॉडी पे हम फोर्स लगाएं और वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास वर्क डन है इस बॉडी का. तो डिटरमिन बाय स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, वही चीज़ के फोर्स और डिस्टेंस को जब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि बॉडी पे कोई ना कोई वर्क हुआ है. पावर मेजर द रेट एट विच वर्क इज डन. और पावर क्या होती है, वो रेट है बॉडी का जिसपे जिसकी वजह से कोई काम हो रहा है. मतलब पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम. तो एक एक टाइम पे जितना काम हो रहा है उसको हम कहेंगे कि ये उस बॉडी की पावर है, कि इतनी ही एबिलिटी है, वो इतना काम कर सकती है इतने वक्त में. जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम 24 आवर में से 6 घंटे तक पढ़ सकते हैं, तो ये 6 घंटा जो पढ़ना है वो हमारी पावर है. उसके बाद अगर हम यूनिट्स को देखें तो देयर आर वेरियस यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी के बहुत सारे यूनिट्स हैं. इन द मीट्रिक सिस्टम एनर्जी इज मेजर्ड इन जॉल्स. मीट्रिक सिस्टम जो होता है, ग्राम वाला जो सिस्टम है, ग्राम मीटर, इसमें अगर हम मेजर करें तो एनर्जी हम कंसीडर करते हैं जाउल में. और जाउल हमारे पास इसका SI यूनिट भी है, तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. अदर पावर यूनिट्स आर अर्ज, फुट पाउंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी और BTU. BTU होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी कि जो हीट के लिए यूज़ होता है एनर्जी. क्योंकि आपको पता है एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो हीट एनर्जी वाली जो फॉर्म है उसमें हम यूज़ करते हैं BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट. कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट एनर्जी. कैलोरी भी अब हीट एनर्जी का यूनिट है. तो अब कैलोरी होती क्या, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 सेल्सियस. मतलब 1 सेल्सियस तक 1 ग्राम वाटर की टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करें तो वो जो हीट होगी, हीट एनर्जी, उसको हम कहेंगे कि ये कैलोरी है. और तकरीबन जो कैलोरी वाली टर्मिनोलॉजी है वो हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज में, जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं. उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी जो होती है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं. काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी. तो अब ये जो एनर्जीज हैं वो जो है चेंज हो जाती हैं. अब हमने पढ़ा था, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखें कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर. मतलब कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि एनर्जी की एक फॉर्म जो है वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है. तो ये जो इंटरकन्वर्जन है इसको हम अगर हम डिस्कस करें तो एनर्जी एंड मास आर लॉक्ड इन द आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन. अब सबसे ज़्यादा फेमस इक्वेशन जिससे फिजिक्स रियलाइज कर रही है, E इज इक्वल टू MC square. अब आप देखें इसमें तो मास और एनर्जी जो है वो एक दूसरे से रिलेट करती है. वेयर E इज एनर्जी, m इज मास, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस इक्वेशन शोज डैट एनर्जी एंड मास आर इंटरकन्वर्टेबल. इसका मतलब क्या है, एनर्जी मास में चेंज हो सकती है और मास एनर्जी में चेंज हो सकता है. बट द कन्वर्जन ऑफ अ वेरी स्मॉल मास विल गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. लेकिन अगर हमारे पास एक मास बहुत कम है, जैसे अगर हम चले जाएँ इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, न्यूक्लियस में चले जाएँ, पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन इस लेवल पे जाएँ, तो हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि मास बहुत कम है. Energy can be considered a concentrated form of matter and matter a concentrated form of energy. उसके बाद वही चीज़ के law of conservation of energy, कि हम ना तो energy को create कर सकते हैं ना ही destroy कर सकते हैं, बल्कि एक form energy की, जैसे kinetic energy है वो सम instant पे potential energy में change हो जाएगी, फिर potential energy है वो kinetic energy में change हो जाएगी. इस तरह convergence होती रहेंगी, लेकिन ना तो energy ख़त्म हो सकती है ना ही हम energy को पैदा कर सकते हैं. मोर पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर पोटेंशियल, काइनेटिक, हीट, सोलर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टाइडल. टाइडल होती है जो मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ओशंस में क्रिएट होती है वो एनर्जी. विंड, जियोथर्मल, जियो मीन अर्थ, थर्मल मीन हीट, और फिर न्यूक्लियर एनर्जी. अब ये देखें इंटरकन्वर्जन में अगर आप एग्जाम्पल देखें तो ये एक साइड से अगर ये साइकिलिंग स्टार्ट हो रही है तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी है बॉडी, क्योंकि जो बॉडी है या जो साइकिल है वो मूव कर रहा है. जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है, इन स्टेट ऑफ मोशन होती है, तो उसमें जो एनर्जी की फॉर्म होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी. अब जब बॉडी मूव करते करते पीक पे आ गई तो पीक में आप देखेंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि पीक पॉइंट पे आके बॉडी एक इंस्टेंट के लिए या एक लम्हे के लिए रेस्ट पे आती है, और वो जो रेस्ट वाली एनर्जी स्टोर हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. फिर जब अपने पीक पॉइंट से बॉडी मूव करेगी टुवर्ड्स ग्राउंड तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी इसमें काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि बॉडी दोबारा से मोशन में आ गई. तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज होंगी या इंटरकन्वर्ट होंगी, और हम कहेंगे कि एनर्जी जो है वो इंटरकन्वर्टेबल है. अब अगर आप नेक्स्ट देखें एक और एग्जाम्पल, तो ये देखें सन है हमारे पास. सन से आपको पता है रेडिएशन आ रही हैं,
अब प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को और उसके साथ साथ सनलाइट को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आपको पता है कि सनलाइट की वजह से प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मतलब कि लाइट ली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ब्रेक डाउन करने के बाद कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। ग्लूकोज जो है वो प्लांट की डेवलपमेंट में यूज़ होता है और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होगा, हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि जब हम प्लांट से ले रहे होते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है कि ब्रीथिंग के लिए मेन कंपोनेंट जो है हमारे पास वो होता है ऑक्सीजन, और हम एक्सक्रीट कर रहे होते हैं या एक्सहेल कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स यूज़ कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अब सन से वो एनर्जी ली और चेंज होगी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में। अब फिर क्या होगा, प्लांट डाई एंड डिके अंडर एक्सट्रीम प्रेशर एंड हीट टू फॉर्म कोल। अब क्या हुआ, प्लांट जो है वो ओवरएज हो गए, डाई होना शुरू हो गए। जब वो प्लांट डाई होंगे वो ज़मीन में बर्न होते जो है वो बरीड होते जाएंगे, मतलब कि दफन होते जाएंगे। दफन होने के बाद बहुत ज़्यादा ज़मीन में, आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट होने की वजह से और इतनी लेयर्स का प्रेशर होने की वजह से क्या होगा कि वो जो प्लांट हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे कोल में। अब जब कोल में कन्वर्ट हो गए तो स्टोर्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसके बाद कोल बर्न होगा और बर्न करने के बाद फिर हीट रिलीज करेगा। आपको पता है कोल जब जलता है, कोयला जलता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, वो हमारे पास आ गई थर्मल एनर्जी। फिर थर्मल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक और मैकेनिकल एनर्जी में जब हम लोग उससे टर्बाइन या स्टीम इंजन चलाएंगे। फिर जब टर्बाइन चलेंगे, टर्बाइन हम कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर से, जहाँ पे हमारे पास क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन और काइनेटिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी, और इलेक्ट्रॉन फ्लोस थ्रू पावर लाइंस टू पावर हाउस। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से पावर लाइन से मूव करते करते हमारे घरों तक जो है वो आएंगे और हमें करंट मिलेगा। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पावर हाउस से जब हमारे डोमेस्टिक यूज़ में आ जाएंगे तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। और ये सारा प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सन से। अब सन की इंटरकन्वर्जन हुई केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में, फिर उसके बाद स्टोर्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी फिर कन्वर्ट होगी, फिर कन्वर्ट हुई थर्मल एनर्जी में, फिर कन्वर्जन काइनेटिक और मैकेनिकल एनर्जी में, और एट द एंड काइनेटिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं हीट एनर्जी, ओवन में यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव में, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस में हमारे पास एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है। अब ये सन वाली एनर्जी है जो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उसकी फॉर्म्स चेंज होती गई। अब अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रीन्यूएबल, आपको री का मतलब होता है री मतलब अगेन, रीन्यूएबल मतलब के दोबारा से नया करना किसी चीज़ को, और नॉन रीन्यूएबल वो चीज़ें जिनको हम दोबारा से रिसाइकल या अगेन उसको यूज़ नहीं कर सकते। दीज आर इन एग्जॉस्टेबल मतलब के रीन्यू कर सकते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं, बार बार ख़त्म नहीं हो सकती हैं। तो सोलर विंड एनर्जी, अब जैसे सोलर एनर्जी, वही मैंने जैसे आपको पीछे एक फ्लो चार्ट बताया कि वो सन वाली जो सोलर एनर्जी है उसको हम कितने पर्पजेज में यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूज़ होती जा रही है, रिसाइकल होती जा रही है, ये नहीं है कि वो किसी पॉइंट पे आके ख़त्म हो रही है। और जो हमारे पास नॉन रीन्यूएबल है, अब उसमें ऐसी एनर्जीज जो कि हमारे पास एक दफ़ा यूज़ करें और ख़त्म हो जाए, जैसे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आ रही है आपके स्टोव में या चूल्हे में, एक दफ़ा आपने इस्तेमाल की उसके बाद वो ख़त्म हो गई, आप दोबारा उस गैस को तो नहीं ना वापस ला सकते। इसी तरह से पेट्रोलियम, पेट्रोल एक दफ़ा कार में डालें, कार चल रही है, उसके बाद पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, दोबारा डलवाना पड़ता है, वो यूज़ तो नहीं हो सकता दोबारा। फिर कोयला है, एक दफ़ा जल गया तो ख़त्म हो गया। इस तरह से अगर सिंपल एग्जांपल लें, एक पेपर ले लें, पेपर को जला दें, अब जलने के बाद वो जो राख बन गई है वो बिल्कुल राख आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वही पेपर आप इंडस्ट्री में दे दें और उसको रिसाइकल करवाएं तो वो रीन्यूएबल है। इस तरह से आपके पास डिफरेंस आ जाता है रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल का। अब फ्रीली अवेलेबल इन नेचर एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली, अब जो रीन्यूएबल है वो तकरीबन नेचुरल चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं, हमारे ही यूज़ में आती हैं और हमें फ्रीली अवेलेबल भी होती हैं, जैसे कि सोलर विंड एनर्जी। और नॉन रीन्यूएबल में अगर आप देखें तो वो ऐसी हमारे पास एनर्जी थी जो, अब अगर आप कोल को देखें, कोयला जलता है तो हमारे पास पोल्यूशन है, पेट्रोलियम से भी पोल्यूशन, फिर नेचुरल गैस से भी, तो अब क्या है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है और ईजीली अवेलेबल भी नहीं है। इसके लिए हमें माइनिंग करनी पड़ती है, कान बहुत जो है ज़मीन की गहराई में ड्रिलिंग करते हैं, फिर हम जो है नेचुरल गैस, पेट्रोलियम या फिर कोल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर रीन्यूएबल देखें तो दीज आर कंटिन्यूसली रिस्टोर्ड बाय नेचर आफ्टर यूटिलाइजेशन। अब क्या है, ये नेचुरली रिस्टोर्ड होती जाती हैं, सन की एनर्जी है वो एक दफ़ा यूज़ रिस्टोर होगी, दूसरी दफ़ा यूज़ होगी, तो क्या है कि ये बार बार यूज़ होती जाएंगी, लेकिन नॉन रीन्यूएबल इस तरह से यूज़ नहीं होगी, एक दफ़ा जब यूज़ हो गई तो फिर उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। इनिशियल कॉस्ट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज हाई। अब रीन्यूएबल में जो हमारे पास इनिशियल, जब हम उसके प्लांट्स लगा रहे होते हैं इनिशियली, तो वो हमें महंगा पड़ता है, मतलब अगर आप विंड एनर्जी के लिए लगा रहे हैं पैनल्स
तो वो इनिशियली बहुत महंगे पड़ेंगे, लेकिन फिर क्या है, जब एक दफ़ा आपने इंस्टॉल कर लिए उसके बाद बार बार आपको उस पर जो है पेमेंट लगाने की या पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल है वो जब आप स्टार्ट करते हैं इनिशियली भी वो एक आपको महंगा पड़ रहा होता है, जब आप उसको एक इसके पैनल्स लगा रहे होते हैं या उसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं उसका सेटअप, और उसके बाद मेंटेन करना भी उसको मुश्किल है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इज इंटरमिटेंट एंड हेंस कंटिन्यूस सप्लाई। अब इसमें क्या है कि जो एनर्जी है वो हमें कंटिन्यूसली मिलती रहती है, क्योंकि सोलर एनर्जी चेंज हो गई थी, फिर वो और एनर्जी आ गई, तीसरी दफ़ा और एनर्जी, मतलब एनर्जी चेंज होती जा रही है और एनर्जी हमें मिलती जा रही है कंटिन्यूसली। लेकिन नॉन रिन्यूएबल जब एक दफ़ा कोल बर्न हुआ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो दोबारा उसमें से हम कोई एनर्जी नहीं ले सकते, तो वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर ये देखें आप रिन्यूएबल एनर्जी, तो विंड, हाइड्रो पावर, सोलर, बायोमास और जियोथर्मल। और इसी तरह से अगर आप नॉन रिन्यूएबल देखें तो ऑयल, कोल, न्यूक्लियर और नेचुरल गैसेस। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज आ जाते हैं। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि हम डायरेक्टली नेचर से लेते हैं, ये नहीं है कि हम उसको खुद बना रहे हैं, नेचुरली जो अवेलेबल है हमारे पास, जैसे विंड, सनलाइट और एटम्स। न्यूक्लियर एनर्जी हम ले रहे हैं एटम से, वो भी नेचुरल है क्योंकि एटम नेचुरल चीज़ है, हमने उसको क्रिएट नहीं किया हुआ। इसी तरह से रेडिएशन एनर्जी सनलाइट से, सन भी हमने क्रिएट नहीं किया, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर काइनेटिक एनर्जी विंड से। और इसी तरह से अगर आप सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज देखें तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि हम प्राइमरी सोर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम विंड को यूज़ करते हुए जो एनर्जी अटेन करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि गैसोलीन, रिफाइंड फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिसोर्सेज, वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस पहले फ्लो चार्ट में पढ़ लिया हमने कि सन से किस तरह कन्वर्जन होते होते हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आई, तो अब क्या है कि वो हम सन प्राइमरी सोर्स है और इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी सोर्स। फिर केमिकल एनर्जी जो है बैटरीज़ में, क्योंकि बैटरीज़ में जो केमिकल्स होते हैं वो डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं और हमें केमिकल एनर्जी मिलती है, तो जो केमिकल एनर्जी होगी वो भी हमारे पास सेकेंडरी सोर्स है। उसके बाद हमारे पास अगर फिर से आप एग्जांपल देखें, प्राइमरी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्रूड ऑयल है, हार्ड कोल, नेचुरल गैस, अब ये ट्रांसफॉर्म हो रही है हमारे पास पेट्रोलियम में, फिर सॉलिड मैन्युफैक्चर फ्यूल और गैसेस में। इसी तरह वेस्ट है तो वो हम यूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट में, और फिर विंड, थर्मल और बायोमास, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वेव और टाइडल एनर्जी, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ बायोफ्यूल। अब ये तीनों चीज़ें जब कन्वर्ट होती हैं फिर हम इनकी कंजम्पशन कर देते हैं अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। तो ये एक हमारे पास कन्वर्जन हो रही है प्राइमरी एनर्जी की इंटू सेकेंडरी एनर्जी, और फिर उसके बाद हम उसको अपने जो है डेली लाइफ पर्पजेज उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जी, देर आर टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। अगर आप कन्वेंशनल को देखें तो कन्वेंशनल हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, एक तो कमर्शियल जो हम कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं और एक नॉन कमर्शियल। अब कमर्शियल क्या है, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, हम डेली यूज़ कर रहे हैं इनको, आम जिंदगी में ये हमारे काम आ रहे हैं, और दूसरा फायरवुड, स्ट्रॉ और ड्राइड डंक। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल में अगर आप देखें तो बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। तो ये वाले जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो हैं हमारे पास नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वही जो नेचर से आए डायरेक्टली, और नॉन कन्वेंशनल जो उनको यूज़ करते हुए हमने जनरेट की एनर्जी, वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हो गए। उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है, फोसिल फ्यूल्स। तो फोसिल फ्यूल्स होते हैं जो डेड रिमेन होते हैं प्लांट या एनिमल के, मतलब कि कोई पौधा था वो मुरझा गया या कोई जानवर मर गया, वो ज़मीन की तहों में दफन होते गए, फिर उस पर बैक्टीरियल और फंगल रिएक्शन होते जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं फोसिल फ्यूल में। तो द पावर ऑफ सनलाइट कैप्चर, जैसे कि एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं फोसिल फ्यूल की, तो डायनासोर के डेड रिमेन, जैसे हम अब इतने अरसे बाद भी उनकी स्केल्टन वगैरह डिस्कवर कर रहे हैं, बार बार हमें पता चल रहा है हड्डियाँ मिल रही हैं, इस जगह से हमें उसका कोई स्केल्टन मिल गया, कोई बोन मिल गई, तो वो क्या है हमारे पास, वो फोसिल्स हैं, और उसको यूटिलाइज़ करते हुए जो फ्यूल्स बने, मतलब कि वो फोसिल्स डेड जो है वो बर्न होती गई, बरिड होती गई, ज़मीन में दफन होती गई, होने की वजह से, प्रेशर पड़ने की वजह से, जब वो कोल, ऑयल, नेचुरल गैस इन चीज़ों में कन्वर्ट होगी तो वो जो फिर हम यूज़ करते हैं उसे एज अ फ्यूल, तो उससे हम कहते हैं कि ये हमारे पास है फोसिल फ्यूल्स। द पावर ऑफ सनलाइट कैप्चर्ड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड डाइड एंड बरिड इन ह्यूज डिपॉजिट इज नाउ बींग बर्न एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड एज फोसिल फ्यूल्स। अब फोसिल्स क्या थे कि प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड रिमेन थे उनको हम कहते थे फोसिल्स, जब वो प्रेशर की वजह से या सनलाइट की वजह से मिलियंस ईयर गुजरने के बाद जो है मिलियंस जो है साल गुजर जाए उसके बाद जब हम
उसको यूज़ करते हैं वो बन जाते हैं, क्योंकि वो इतना अरसा गुजरने के बाद वो ज़मीन की तहों में दफन होते रहते हैं। फिर क्या होता है, सनलाइट भी है, हीट भी मिल रही है उसको, फिर प्रेशर भी है, प्रेशर की वजह से वो कन्वर्ट हो जाएंगे कोल में, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में, और उसको हम यूज़ करेंगे एज अ फ्यूल, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हैं फोसिल फ्यूल्स। द एनर्जी हैज़ ओनली लिमिटेड सप्लाई ऑफ फोसिल फ्यूल। अब एनर्जी जो है वो हमारे पास सिर्फ हम एक जो लिमिटेड सी सप्लाई होती है हमारे पास फोसिल फ्यूल की, द अमाउंट यूज हैज़ नाउ बीन ऑलमोस्ट डबल बिकॉज ऑफ हाई डिमांड ऑफ एनर्जी। क्योंकि अब आपको पता है कि हम एनर्जी का डेली लाइफ में कितना यूज़ है, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, तो अब हमारी डिमांड भी उतनी बढ़ रही है एनर्जी की, तो इसीलिए डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हमें एनर्जी की ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है। साइंटिस्ट आर सीकिंग न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू रिप्लेस श्रिंकिंग फोसिल फ्यूल। अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि नए जो रिसोर्सेज हैं उनकी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि फोसिल फ्यूल जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, उसकी वजह से साइंसदान क्या कर रहे हैं कि नए रिसोर्सेज तलाश कर रहे हैं एनर्जी के, जिसकी वजह से एनर्जी की नीड को पूरा किया जा सके। अब फोसिल फ्यूल जो मेजर हैं हमारे पास वो हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रल पावर, सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। अगर हम कोल को देखें, कोयला सबसे पहले, तो इट इज़ अ ब्लैकिश मिनरल। ब्लैकिश आपको पता है ब्लैक कलर का होता है कोयला। कोल इज़ कंसीडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स जो है हमारे पास वो है कोल, कोयला एक इम्पोर्टेंट सोर्स। आपको पता है भट्टियों में चल रहा होता है, फिर हम उससे ईंटें बना रहे हैं, फिर कमर्शियल यूज़ हो रहा है, तो इस तरह से कोल एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। ऑलमोस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड पावर प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन दिस फॉर्म। अब तकरीबन 30% जो एनर्जी प्रोडक्शन या पावर प्रोडक्शन है वो हमारी कोल के थ्रू हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 184 बिलियन टन्स ऑफ कोल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू अ सर्वे। अब एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 184 बिलियन टन कोल के रिसोर्सेज मौजूद हैं। अब अगर हम फॉर्मेशन देखें कोल की, कि कोल हमारे पास बनता कैसे है, तो इट इज़ बिलीव दैट कोल इन नेचर इज ऑब्टेन बाय द डिके ऑफ बरीड ट्रीज इन द अर्थ क्रस्ट ओवर 500 मिलियन ईयर्स अंडर बैक्टीरियल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन। अब 500 मिलियन साल के बाद जब एक दरख्त है वो दफन होता गया ज़मीन में, 500 मिलियन साल गुजर गए उसको, तो उस पर बैक्टीरियल रिएक्शंस होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे। वो रिएक्शंस होने की वजह से क्या होगा कि वो जो एक आपके पास दरख्त था, प्रेशर और हीट पड़ने की वजह से वो चेंज हो जाएगा कोल में। इस तरह से हमारे पास कोल की फॉर्मेशन होगी। अगर हम एनर्जी प्रोडक्शन देखें पाकिस्तान में, तो कोल 59%, हाइड्रो 3% और ऑयल 38%। एक ये इसका है प्रोडक्शन रेट, और दूसरा कोल 9%, हाइड्रो होता है वाटर से निकला हुआ, और ऑयल 40% और गैस 48%। उसके बाद ये एक आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, इसमें ये देखें स्टार्टिंग में आपके पास है ट्रीज़ और प्लांट्स नज़र आ रहे हैं आपको सामने। अब क्या हुआ, ये ट्रीज़ और प्लांट्स के नीचे अगर आप देखें पीट लिखा हुआ है। पीट होता है सबसे ज़्यादा जो एक न्यू फॉर्म कोल की, अभी कोल बना नहीं है, सबसे अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, अभी वो प्लांट्स हैं। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा अगर आप आगे जाएं ही वो जो है डेड होना शुरू हो गए प्लांट्स, ये आपको नज़र आ रहे होंगे हाफ प्लांट्स जो हैं इसमें से वो डेड है। तो वो जो डेड होना शुरू हो गए प्लांट्स, वो जब उस पर प्रेशर पड़ेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, प्रेशर भी है और हीट भी है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जो कोल सेकेंड फॉर्म है कोल की, लिग्नाइट में, जो कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है। फिर उसके बाद लिग्नाइट के बाद यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, प्रेशर और टाइम के बाद गुजरने के साथ प्रेशर है, हीट है, फिर क्या होता है लिग्नाइट कन्वर्ट हो जाता है बिटोमिनस में। बिटोमिनस क्या होता है, वो भी एक ब्लैकिश कोल है। बिटोमिनस के बाद एट दी एंड जो है लास्ट स्टेज जो हमारे पास बचती है वो होता है एंथ्रासाइड। जहाँ यहाँ पे आपको कोल नज़र आ रहा है, ये होती है टाइप एंथ्रासाइड, जिसमें 95% ऑफ कार्बन होता है, तो वो ब्लैकिश कार्बन जो है आपके पास, उसको हम कहते हैं कोल। और ये जो हम कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं ये हमारे पास है एंथ्रासाइड। उसके बाद अगर हम पेट्रोलियम देखें, तो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है मछलियाँ जो हैं, फिर पौधे हैं मेरीन लाइफ में या समंदरों में, तो उसकी वजह से हम पेट्रोलियम को अटेन कर सकते हैं, पेट्रोल को अटेन कर सकते हैं। एज द ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ सी। अब जैसे जैसे वो ऑर्गेनिज्म डेथ होते जाते हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल तो यही थे ना, कि जानवर और पौधों के मरने के बाद उनका जो वो दफन हो जाते हैं ज़मीन में, फिर प्रेशर पड़ रहा है, हीट पड़ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो कन्वर्ट हो रहा है फॉसिल फ्यूल में। इसी तरह से जो है रेत की और मिट्टी की तहें लगती जाती हैं, प्रेशर ज़्यादा होता जाता है, और वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूल में, पेट्रोलियम में। ओवर मिलियन ऑफ ईयर एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब मिलियन ईयर गुजरने के बाद क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई हवा नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो वो जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में।
द वर्ड पेट्रोलियम लिटरली मीन रॉक ऑयल. पेट्रोलियम जो है वर्ड, इसका मतलब होता है रॉक ऑयल. ये डिराइव ही वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से हुआ है जिसका मतलब है रॉक ऑयल. इट इज अ थिक डार्क ऑयली लिक्विड. अब आपको पता है पेट्रोल भी अगर आप देख लें डार्क कलर में होता है, तो थिक डार्क ऑयली लिक्विड होता है कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल, जिसमें के हज़ारों या तकरीबन 100 के करीब जो है ऑर्गेनिक मटीरियल होते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं या उनके डेरिवेटिव से, जैसे कि मीथेन CH4. मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं हमारे पास, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कंटिन्यूज टू रिमेन एज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ एनी कंट्री एक्स USSR, मतलब कि रशिया, USA, वेंजुएला, कुवैत, अल्जीरिया, ईरान एंड सऊदी अरेबिया. अब आपको पता है पेट्रोल जो है, पेट्रोल सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज उसके कहाँ हैं, सऊदी अरेबिया में. UAE आर रिगार्डेड एज द पिलर्स ऑफ पेट्रोलियम क्लब. अब ये जो कंट्रीज़ हैं ये मेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पिलर्स इन्हें कहा जा सकता है कि ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पेट्रोलियम की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो पेट्रोलियम इज़ अ कम्प्लीट लिक्विड मिक्सचर ऑफ अ वराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब वही चीज़ की इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? द चीफ कंपोनेंट्स आर हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें मतलब हाइड्रोजन है, कार्बन है और उससे बनने वाले तमाम कंपाउंड्स, विच मे बी एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होते हैं. बेंजीन रिंग के फॉर्म में जो आगे कुछ कंपाउंड रिंग फॉर्म में आगे, कुछ लीनियर फॉर्म में आगे कार्बन और हाइड्रोजन बनने की वजह से, तो उसको हम कह रहे हैं C6H6 बेंजीन, फिर CH4. तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिलते जाते हैं और पेट्रोलियम बन जाती है. इन एडिशन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन, पेट्रोलियम कंटेन 1-6% ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब इनऑर्गेनिक के साथ हमारे पास इनऑर्गेनिक के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं. अब तकरीबन जो है 1-6% जो है सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा. और ये जो है सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. क्रूड पेट्रोलियम इज द स्टार्टिंग मटेरियल. क्रूड होता है खाम तेल, ब्लैकिश ऑयल होता है. मटेरियल नॉट ओनली फॉर द फ्यूल्स. अब ये वो तेल है जो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एंड एनर्जी प्रोडक्शन, बट ऑल्सो फॉर पेट्रोकेमिकल्स, फीड स्टॉक्स, सॉल्वेंट्स, लुब्रिकेंट, एस्फॉल्ट्स एंड मैनी अदर स्पेशलिटीज़ लाइक कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल. अब ये जो है हमारे पास वो यूज़ पेट्रोल में यूज़ हो रहा है, कैरोसिन ऑयल के तौर पर यूज़ हो रहा है, लुब्रिकेंट्स. तो उसके बाद अगर हम ये सब इनको डिस्कस करें आगे, ये लुब्रिकेंट्स, एस्फॉल्ट, तो पेट्रोलियम को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. सबसे पहले LPG, लिक्विड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, मतलब कि मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर यूज चीफली एज फ्यूल. अब LPG में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तकरीबन बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होते हैं एज अ फ्यूल. सॉल्वेंट्स अगर देखें तो पेट्रोलियम ईथर्स, लिग्रोइंस, नेफ्थास, मिनरल पॉइंट, स्पिरिट बॉयल्स एंड 30-140 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आर यूज एज सॉल्वेंट. अब ये तमाम जो आपके पास कंपाउंड्स हैं वो यूज़ होते हैं एज अ सॉल्वेंट. गैसोलीन, इट इज़ द फ्रैक्शन बॉयलिंग बिटवीन 6 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड. ट्रांसपोर्ट ऑयल, ट्रांसपोर्ट मतलब जो हम कार्स वगैरह में या एरोप्लेन्स में यूज़ कर रहे हैं, कैरोसिन ऑयल, टर्बाइन फ्यूल, जेट फ्यूल, गैस फ्यूल, फ्यूल ऑयल एंड डीजल ऑयल, डीजल फ्यूल्स एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ करते हैं एज अ ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल. फिर पैराफिन देखें तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डेट क्रिस्टलाइज फ्रॉम वेरियस हाई बॉइलिंग फ्रैक्शंस. तो ग्रीसेस, फिर ग्रीसेस में आपके पास आ जाता है आर मेड बाय डिस्पर्सिंग मेटेलिक सोप इन हॉट लुब्रिकेटिंग ऑयल. फिर आ जाते हैं पिच एंड एस्फॉल्ट्स. पिच एंड एस्फॉल्ट्स आर रेजिडुअल, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यूज्ड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड एज बाइंडिंग एजेंट फॉर फाइबर एंड क्रश्ड रॉक. बाय यूजिंग दिस टेक्निक पेट्रोलियम कोक आर ऑब्टेन्ड. पेट्रोलियम कोक जो होती है वो भी एक पेट्रोल की ब्लैकिश मटेरियल टाइप है, विच इज़ यूज इन मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड कार्बन ब्रशेस. उसके बाद आ जाता है नेचुरल गैस. ये जो गैस हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, एज द ऑयल इज फॉर्म अंडर लाई बेड ऑफ अर्थ सरफेस बाय द बायोडिग्रेडेशन ऑफ प्लांट्स. बायोडिग्रेडेशन वही चीज़ के बायो मीन लाइफ, डिग्रेडेशन ख़त्म होना, जब ज़मीन में धंस जाते हैं जानवर और पौधे मरने के बाद, वो लेयर्स बनती जाती हैं प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से. फिर क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल लाइक नेचुरल गैस में. इट ऑल्सो गिव्स ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस. दिस इज ऑल्सो द चीफ सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. अब चीफ सोर्स क्यों बोला, क्योंकि जो हमारे पास नेचुरल गैस है जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं ये होती है मिथेन CH4. तो सबसे ज़्यादा जो इसमें मेन कंपोनेंट है वो है मिथेन. नेचुरल गैस वेरीज ग्रेटली इन कंपोजिशन. अनप्रोसेस्ड गैस कंटेन 60-80% मिथेन.
5 to 9% ethane, 3 to 18% propane, and 2 to 14% higher hydrocarbons. Most of natural gas is used for fuel. अब ज़्यादातर जो natural gas है, क्योंकि आपको पता है CNG में भी use हो रही है घरों में भी, तो gas जो है वो ज़्यादातर हमारे पास as a fuel use होती है. Uses it is make for making rubber, use for making rubber, rubber synthetic rubbers को बनाने में use हो रही है. Natural gas हम use कर रहे हैं electricity की production में. फिर cheapest और most efficient source है natural gas as compared to coal, क्योंकि उसके लिए भट्टियाँ लगा रहे हैं आप, लेकिन उसके बाद फिर उसकी जो pollution है या उसका जो बाकी सारे रिमेन है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. द नेचुरल गैस ऑफ पाकिस्तान हैज़ अ हाई मिथेन कंटेंट. अब जो पाकिस्तान में गैस यूज़ हो रही है उसमें ज़्यादातर जो कंपोनेंट है वो है मिथेन, तकरीबन 70 to 90%. इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय बैटरी फॉर पावर जनरेशन फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. अब क्या है कि जी ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रही है नेचुरल गैस. फिर उसके बाद जो है डोमेस्टिक हम खाना वगैरह बना रहे हैं, चूल्हे जला रहे हैं, तो वो भी इस्तेमाल हो रही है हमारे पास नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान बाय प्रोवाइडिंग अ चीप फ्यूल फॉर इंडस्ट्री. अब क्या है, ज़्यादातर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पाकिस्तान की हमारे पास नेचुरल गैस का काम है, क्योंकि नेचुरल गैस जो है वो उसकी वजह से ही हम लोग गैसेस की वजह से इंडस्ट्रीज़ को रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिकली डिवेलप हो रहे हैं. उसके बाद हाइडल पावर, हाइडल वही चीज़, हाइड्रो निकला है पानी से यानी वाटर से, तो जो पानी से एनर्जी हासिल की जाती है. अब आपको पता है कि जो हमारे टर्बाइंस चल रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम डोमेस्टिकली यूज़ कर रहे हैं, घरों में यूज़ कर रहे हैं, वो हमें मिल रही है टर्बाइन से या थ्रू ओशंस. तो इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस एट अ पावर स्टेशन विदाउट बर्निंग कोल एंड ऑयल. अब क्या है, कोल और ऑयल वो चीज़ थी जिससे पोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि अगर कोयला जल रहा है तो गैसेज लिबरेट हो रही हैं, वो ख़तरनाक भी हैं. फिर इसी तरह से जो है तेल के जलने से भी गैसेस, लेकिन एक और सोर्स भी है जिसमें हम किसी भी कोल या ऑयल को जलाए बगैर जो है हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी अटेन, वो होती है हाइडल पावर. दिस इज़ डन विद द हेल्पिंग ऑफ बिल्डिंग डैम्स. अब डैम्स आपको पता है, डैम्स हैं तरबेला डैम, मंगला डैम, डैम्स बनाते हैं. और उससे क्या होता है, जब बारिश होती है, बारिश होने की वजह से जब वो पानी स्पीड के साथ टर्बाइन पे फॉल करता है, तो जनरेटर में जो है एनर्जी जनरेट होती है, जो कि पावर स्टेशन से होते हुए हमारे घरों तक आती है. तो आ लार्ज डैम बिल्ड्स अक्रॉस अ रिवर स्टोर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एज अ लेक. तो क्या है, उस जगह पे हमने जो है डैम बिल्ड करना है जहाँ पे पानी का प्रेशर ज़्यादा हो या पानी ज़्यादा हो. द पावर स्टेशन कैन टर्न द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इनटू काइनेटिक एनर्जी. अब जो पानी है वो तो बह रहा है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी. अब वो टर्बाइन के ऊपर जब पानी पड़ेगा तो वो टर्बाइन जो है वो रोटेट करना शुरू हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि हम एज जनरेटर्स में यूज़ करते हैं. पाकिस्तान वॉज अराउंड 36 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विपमेंट इक्विवेलेंट ऑफ दिस अबाउट 2/3 वॉज नेट फॉर्म कमर्शियल यूज रिसोर्सेज. अब क्या है, 36 मिलियन टन्स जो है वो ऑयल की रिप्लेसमेंट के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं. द ट्रांसफॉर्मेशन इन एनर्जी प्रोफाइल सिंस द बर्थ ऑफ कंट्री इन 1947 द हाइड्रो कंट्रीब्यूशन विच इज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी स्टिल ओनली तरबेला एंड मंगला डैम्स अलोन आर अनएबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्री. अब 1947 से सिर्फ दो डैम्स हैं हमारे पास, तरबेला और मंगला डैम, और वो इस तरह के डैम्स हैं जो हमारी एनर्जी की या इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास डैम सिर्फ दो हैं. तो वो दो डैम्स, हालांकि एनुअल हमारे पास यहाँ पे फ्लड्स आते हैं, अगर वो डैम्स बिल्ट हो जाएँ तो वो फ्लड्स कंट्रोल किए जा सकते हैं, और वही जो वाटर है वो यूटिलाइज हो जाए एज अ एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लेकिन क्या है, डैम्स ना होने की वजह से वो पानी भी ज़ाया होता है, फिर फ्लडिंग भी होती है, और उसके अलावा एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं हो रही. एट प्रेजेंट द टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी इज़ अबाउट 7760 मेगावाट एंड द फोरकास्ट इंडिकेट दैट बाय एंड ऑफ कंट्री द सेंचुरी डिमांड विल मोर देन 3 times. अब क्या है, 7760 मिलीवाट की अभी हमें एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन क्या है, सेंचुरी जैसे ही सेंचुरी के बाद, इस सदी के बाद, तकरीबन 3 गुना जो हमारी डिमांड है वो एनर्जी की बढ़ जाएगी. तो डिमांड एंड डैट रिक्वायरमेंट फॉर डिपेंडेबल पावर विल इंक्रीज. अब क्या है कि बाय एटलीस्ट 10,000 मेगावाट का अगर हम यूनिट जो है एक बिल करें तो फिर कहीं जाके उस नीड को पूरा किया जा सकता है. कालाबाग डैम प्रोजेक्ट कैन बी जनरेट 3600 मेगावाट व्हेन कंप्लीटेड. द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन रिवर इंडस. अब क्या है, 3600 मेगावाट एनर्जी जो है वो कालाबाग डैम प्रोड्यूस कर सकता है जब, लेकिन और वो है कहाँ, कालाबाग बाग डैम आपके पास इंडस रिवर पे, दरिया सिंध पे. उसके बाद आ जाती है सोलर एनर्जी. सोलर का मतलब सन, तो वो एनर्जी जो हम सोलर एनर्जी, मतलब जो हम एनर्जी सन से अटेन कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास सोलर एनर्जी है. द सन इज़ अ ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी. अब आपको पता है सन की हीट भी है, फिर उसमें लाइट भी है, तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रीचिंग द अर्थ फ्रॉम सन
सन कुड बी मोर देन प्रोड्यूस बाय मिलियन ऑफ पावर स्टेशंस. अब क्या है कि वो ऐसी एनर्जी है जो हम लोग मिलियन ऑफ पावर स्टेशन ड्रॉ करने की बजाय हम आसानी से उस एनर्जी को यूज़ करें, सोलर एनर्जी को, सोलर पैनल इंस्टॉल कर लें, तो वो हमारे लिए जो है वो ज़्यादा आसानी से या हम ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी प्रोड्यूस बाई यूजिंग मिरर टू डायरेक्ट कंसेंट्रेटेड सन रेज. अ सोलर फ्लेयर्स इन साउथ सदर्न फ्रांस कलेक्ट्स इनफ द सन एनर्जी टू मेल्ट मेटल्स. अब क्या है कि वो ज़्यादातर फ्रांस में क्या होता है कि सोलर एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और उससे ही वो मेटल्स को मेल्ट करने का काम करते हैं, मतलब कि किसी भी धातु को पिघलाने का काम. अब सोलर एनर्जी के यूजेस क्या हैं? सनलाइट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. अब आपको पता है सबसे मेजर यूज़ तो यही है कि सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में बाय यूजिंग सोलर सेल या सोलर पैनल, जो कि हमारे घरों में अब तकरीबन अवेलेबल है. ईच सेल इज मेड लेयर ऑफ अ मटीरियल डेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी वेन लाइट शाइन ऑन इट. अब क्या है, फोटोवोल्टिक, मतलब फोटो मीन लाइट. अब इसमें ऐसा मटेरियल इंस्टॉल होता है कि जब लाइट उसकी सरफेस पे फॉल करती है तो फॉल करने के बाद वो सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. मैनी वॉचेज एंड कैलकुलेटर्स आर पावर्ड बाय सोलर सेल. अब तकरीबन जो आपके पास कैलकुलेटर्स हैं उसके ऊपर भी सोलर सेल इंस्टॉल हैं, वॉचेज पे भी हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बैटरी या सेल जल्दी ख़त्म नहीं होते. लार्ज सोलर सेल आर यूज टू प्रोड्यूस प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन प्लेसेज डेट आर फार अवे फ्रॉम नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सप्लाई. अब जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं हो सकती, उस जगह पे हम तक सोलर सेल लगाते हैं, बड़े बड़े सोलर सेल, जहाँ पे हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट को ताकि पूरा कर सकें. सोलर सेल प्रोवाइड नियरली ऑल द इलेक्ट्रिक पावर फॉर आर्टिफिशियल सेटेलाइट एंड स्पेस व्हीकल. अब सोलर सेल की वजह से सेटेलाइट और स्पेस व्हीकल को भी एनर्जी दी जाती है. कार्स एंड इवन लाइट क्राफ्ट्स कैन बी पावर्ड बाय सोलर एनर्जी. अब हम कार्स और लाइट क्राफ्ट्स को भी या प्लेन्स वगैरह को भी चला सकते हैं सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए. रेडियो टेलीफोन इन सऊदी अरेबिया इज़ पावर्ड बाय सोलर सेल. अब जो रेडियो टेलीफोन है सऊदी अरेबिया में, जो टेलीफोनिक सिस्टम है, उसको भी सोलर एनर्जी के थ्रू चलाया जाता है या यूज़ किया जाता है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म क्या है न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर मीन के एटम के न्यूक्लियस में, आपको पता है एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. मिडिल पोर्शन जो है उसको हम कहते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसमें हमारे पास प्रोटोन और न्यूट्रॉन है. तो अब उस पोर्शन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस को यूज़ करते हुए जो एनर्जी जनरेट करते हैं वो होती है न्यूक्लियर एनर्जी. ओनली दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन मीट द डिमांड्स ऑफ मोर देन 5 बिलियन पीपल. अब ये ऐसी एनर्जी जनरेशन है जो तकरीबन 5 बिलियन लोग जो हैं दुनिया पे उनकी एनर्जी की डिमांड को पूरा कर सकती है. अबाउट 30 नेशन यूजेस न्यूक्लियर एनर्जी टू जनरेट 1/6 वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी. अब तकरीबन 30 ऐसी कौमें हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर रही हैं. देयर आर अबाउट 530 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स इन ऑपरेशन एंड 96 आर अंडर कंस्ट्रक्शन. 530 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर मौजूद हैं और 96 ऐसे हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. टाइप ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, देयर आर सेवरल टाइप्स. अब हमारे पास आपको पता है दो तरह के टाइप्स हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, एक न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, जो आप लोगों ने मैट्रिक में और जो है मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, एसएससी में भी न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन का रिएक्शन पढ़ा होगा. न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना और फ्यूजन का मतलब होता है दो चीज़ों का फ्यूज़ होना या जुड़ना. अब न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है कि आप एक यूरेनियम ले लेते हैं. आपको पता है यूरेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, तो नेचुरली रेडिएशन को एमिट करता है और न्यूट्रॉन को बोम्बार्ड करवाते हैं न्यूक्लियस पे. जब एक हाई स्पीड न्यूट्रॉन जो है उसके साथ उसके न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता है तो जो यूरेनियम है वो ब्रेक हो जाता है दो जो है डॉटर न्यूक्लियाई में. अब पेरेंट न्यूक्लियाई हमारे पास यूरेनियम था, अब यूरेनियम ब्रेक हो जाएगा दो डॉटर न्यूक्लियाई में और उसके साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमारी पावर जनरेशन में भी काम आ सकती है. तो एट प्रेजेंट न्यूक्लियर एनर्जी कॉमनली रेफर्स टू एनर्जी प्रोडक्शन बाय न्यूक्लियर फ्यूजन बिकॉज दिस इज करंटली द ओनली कमर्शियल फिजिबल मेथड. केमिकल एनर्जी इज लॉक्ड अप इनसाइड. अब वही चीज़ की केमिकल एनर्जी होती है हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स में. तो जब एटम जो है वो हमारे पास तीन तरह के डिफरेंट काइंड पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटोन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. प्रोटोन और न्यूट्रॉन जो है हमारे पास वो न्यूक्लियस में होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया, और उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. द इलेक्ट्रॉन गो राउंड एंड राउंड द न्यूक्लियस अलोंग प्रिसाइज पाथवेज. अब आपके पास स्पेसिफिक ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. द न्यूक्लियस इज अ स्मॉल एंड डेंस सेंट्रल कोर ऑफ एटम. इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ टाइटली पैक्ड अरे ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन और अनचार्ज न्यूट्रॉन्स. अब जो न्यूट्रॉन है वो अनचार्ज हैं, प्रोटोन पॉजिटिवली चार्ज हैं. फिर वही चीज़ के जब
न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाएंगे न्यूक्लियस पे, तो वो उसको कन्वर्ट कर देंगे दो इक्वल पार्ट में, दो डॉटर न्यूक्लियाई में नई न्यूक्लियाई बन जाएगी यूरेनियम से, और फिर क्या होगा, साथ जो एनर्जी जनरेट हुई उसको हम यूज़ करेंगे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद जो ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई थी यूरेनियम वाली, इसमें आप देखें लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि द रिजल्टिंग फिजन फ्रेगमेंट्स जो कि हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई बनी है उसके साथ आपके पास 200 मेगावाट जो है एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो रही है हर फिजन में। तो ये इतनी ज़्यादा अमाउंट है एनर्जी की कि हम इससे इजीली एनर्जी की जो नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। और न्यूक्लियर बॉम्ब इसकी एग्जाम्पल है आपके पास। एनर्जी यूनिट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट टेक्स 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10^10^25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू गिव 1 kW और एनर्जी। उसके बाद अगर फ्यूजन देखें न्यूक्लियर फ्यूजन, तो क्या करते हैं, दो लाइटर एटम्स को लेके स्ट्राइक करवाते हैं। जैसे कि हमने दो आइसोटॉप्स ले लिए हाइड्रोजन के, उसको स्ट्राइक करवाया, जब वो हाई स्पीड के साथ स्ट्राइक करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास हीलियम बन जाएगा एक नया एटम। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज अनदर वे टू गेट एनर्जी, मैन हैज ऑलवेज कॉपीड नेचर एंड नाउ ही वॉन्ट टू डुप्लीकेट द न्यूक्लियर प्रोसेसेस अकरिंग इन द सन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल न्यूक्लियर फ्यूजन की है सन। तो अब क्या है, इंसान हमेशा नेचुरल प्रोसेसेस को यूज़ करता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, तो अब सन जो है उधर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, उससे इम्प्रेस होके या उसको यूज़ करते हुए उस फिनोमिना को हमने क्या किया कि आर्टिफिशियली उसी प्रोसेस को क्रिएट किया। क्योंकि अगर फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है तो आपको पता है सन में कितनी एनर्जी है, तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी फ्यूजन के प्रोसेस की वजह से जनरेट हो रही है, और इसीलिए हमने क्या किया, फ्यूजन का प्रोसेस क्रिएट किया आर्टिफिशियल, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एनर्जी की जनरेशन में और हेल्प होती है। द वर्ड फ्यूजन मीन्स ज्वाइनिंग टुगेदर, मतलब कि फ्यूज होना। द एनर्जी एमिटेड बाय स्टार्स इज बिलीव टू रिजल्ट फ्रॉम फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू फॉर्म हीलियम। अब वही चीज़ के हाइड्रोजन के दो एटम मिलते हैं, जब मिलने के बाद क्या होता है, हीलियम बना देते हैं, और इसी वजह से सन, ये बिलीव किया जाता है कि स्टार जो हैं वो उनकी जो एनर्जी है या एनर्जी जो इमिट हो रही है स्टार से वो फ्यूजन की वजह से। सच रिएक्शंस विच अकर एट वेरी हाई टेम्परेचर आर टर्म्ड एज थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब ऐसे रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हो रहे हैं उनको हम कहते हैं थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, थर्म मीन हीट। तो फ्यूजन प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस ओनली एट टेम्परेचर ऑफ ऑर्डर 108 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई। अब तकरीबन 108 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा का टेम्परेचर हो तब ही हम न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिएक्शन है उसको अटेन कर सकते हैं। द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम टेक्स प्लेस इन टू स्टेजेस। अब दो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसके बाद ये फ्यूजन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। टू ड्यूट्रियम, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। अब हम क्या करेंगे, दो ड्यूट्रियम के न्यूक्लियाई लेंगे और उनको आपस में स्ट्राइक करवाएंगे, स्ट्राइक करने के बाद वो फ्यूज होंगे और हमारे पास हीलियम बन जाएगा स्टार्टिंग विद द ड्यूट्रियम मॉलिक्यूल। द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज रिजल्ट फ्रॉम मास डिफरेंस बिटवीन टू ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई एंड द हीलियम न्यूक्लियाई एंड अ न्यूट्रॉन। अब क्या होगा, वो दो न्यूक्लियाई जब मिलने की वजह से उन्होंने हीलियम बना दिया और उसके साथ एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी जनरेट हुई। द ड्रीम ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन कंटिन्यू टू अट्रैक्ट द वर्ल्ड टॉप साइंटिस्ट, द लियर ऑफ चीप अनलिमिटेड एंड पोल्यूशन फ्री एनर्जी फॉर द फ्यूचर, द सक्सेस मे लाई 50 years अहेड बट वंस हंस द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वुड बी टू चीप टू टू मीटर। अब इसमें क्या है जी कि साइंटिस्ट जो हैं वो ये देखने के बाद कि ये प्रोसेस हमें कितनी ज़्यादा चीप और कितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, उसकी अमाउंट भी ज़्यादा होगी, फिर पोल्यूशन फ्री भी है। साइंटिस्ट अब इस काम में लगे हैं कि वो इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा और सेफ तरीके से एनर्जी जनरेट कर सकें। अब क्या है कि इसको 50 साल तक लग सकते हैं कि हम इस प्रोसेस को ईजीली अटेन करें या इसको हम कॉमन कर दें, लेकिन अगर ये एक दफ़ा अटेन हो जाएगा तो फिर हमारे लिए एनर्जी प्रोडक्शन का काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाती है लास्ट हेडिंग एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, वही चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को हम ना तो बना रहे हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि उसकी एक फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरी फॉर्म में। तो इसको हम कह रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट ओनली कन्वर्टेड इन टू अदर फॉर्म्स। दिस प्रिंसिपल इन फैक्ट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फॉर इंस्टेंस आप पेंडुलम, अब इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखें पेंडुलम को ले लें, पेंडुलम है एक सिंपल पेंडुलम है, बॉब एक ले लिया आपने, उसको हैंग कर दिया एक स्ट्रिंग के साथ, उसको मूव करवाएं, अगर आप उसको एक पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जाके छोड़ दें तो आप देखेंगे उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे फिनोमिना ऑफ इंटरकन्वर्जन या एनर्जी कंजर्वेशन। जैसे हमने स्टार्ट में एक बाइसाइकिल की एग्जाम्पल पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी में, इसी तरह वो सन वाली एग्जाम्पल भी पढ़ी कि एनर्जी चेंज हो रही थी लेकिन ख़त्म नहीं हो रही थी। इसी तरह से अगर आप थर्ड पॉइंट देखें तो हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में सम केसेस में, जबकि कुछ केसेस में केमिकल एनर्जी जो है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। तो अब क्या है, हीट एनर्जी जब लाइट एनर्जी
हीट एनर्जी सॉरी चेंज हो रही है लाइट एनर्जी में, फिर इसी तरह से हमारे पास केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। हीट वाले के तो एग्जांपल आपके पास वही सन आ गया ना, कि सन की हीट को यूज़ करते हुए आप लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से एनर्जी जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब ये पेंडुलम वाली एग्जांपल अगर आप देखें तो ये देखें, एक पॉइंट है आपके पास ए, इधर से आप पेंडुलम को लेके गए सी पॉइंट पे। अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे आ रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे आके जब रोकेंगे तो वहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और काइनेटिक जहाँ ए पॉइंट था, ए पॉइंट पे आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जब वो मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी सी हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर आप वहाँ से छोड़ें उसको, जब वो ए पॉइंट पे वापस आएगा, ए पॉइंट पे फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और फिर जब बी पॉइंट पे जाएगा इस ए पॉइंट को क्रॉस करके, तो बी पॉइंट पे आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो। इस तरह से एनर्जी कंजर्व होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, पोटेंशियल काइनेटिक में, लेकिन एनर्जी खत्म नहीं होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो कंजर्व है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रही है कि एनर्जी ना तो बन रही है ना डिस्ट्रॉय, लेकिन उसकी फॉर्म्स चेंज हो रही हैं। अब उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। इस सेशन में हमने इस लेक्चर में तकरीब एनर्जी को का इंट्रोडक्शन, उसके सोर्सेज रिसोर्सेज और उसकी कंजर्वेशन को डिस्कस किया। अब उम्मीद करती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।